तो दोस्तों फाइनली इंस्टाग्राम वालों ने रील्स मोनेटाइजेशन एनेबल करना स्टार्ट किया है। पहले ये सिर्फ यूएसए के अंदर था, अब इंस्टाग्राम वालों ने इसको इंडिया के अंदर भी लॉन्च किया है आज ही। तो गाइज अगर आपको भी इंस्टाग्राम रील्स मोनेटाइज करना है और आपको इंस्टाग्राम रील्स से बहुत सारे पैसे भी कमाना है तो फिर आज ही इंस्टाग्राम के अंदर रील्स को अपलोड कर लो। यहाँ पर आपको कोई क्राइटेरिया वगैरह नहीं है कि जिस तरह आपको यूट्यूब के अंदर 4000 घंटे वॉच टाइम करना है और साथ ही साथ आपको 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना है, उसके बाद फिर आप लोग यूट्यूब के लिए मोनेटाइजेशन अप्लाई कर पाएंगे। बट इंस्टाग्राम के अंदर आपको इस तरह नहीं है, यहाँ पर आपको सिर्फ रील्स के अंदर मोनेटाइजेशन एनेबल करना है, उसके बाद फिर आपको डेली रील्स अपलोड करनी है। तो गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को यही सिखाने वाला हूं, सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम रील्स मोनेटाइजेशन फॉर्म फिल करना है। कैसे करना है इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है, प्लीज यार वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत करना वरना आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। उससे पहले अगर आप लोग ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पर आपको हमेशा मस्त मस्त कॉन्टेंट मिलता है और मिलता रहेगा। ओके दोस्त, यदि आपको कोई भी क्वेश्चन है आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय पूछ सकते हो। सो हे गाइस, दिस मुनीब एंड वाचिंग टेक मुनीब, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके दोस्त, अब बढ़ते हैं वीडियो के और। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ, सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम के अंदर एक क्रिएटर अकाउंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपके पास है तो फिर बहुत अच्छी बात है, उसके बाद फिर आपको इंस्टाग्राम के अंदर कैटेगरी को सिलेक्ट करनी है। तो गाइस कैटेगरी को सिलेक्ट करने के बाद अब आपको इंस्टाग्राम के अंदर सिर्फ एक ही नीच के अंदर काम करना है, राइट। तो दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड है तो फिर चलो मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे, वहां पे मैं आपको सीधा सीधा प्रोसेस करके दिखाऊंगा इंस्टाग्राम रील्स मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कैसे करें 2022 में। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। यदि आपको भी इंस्टाग्राम रील्स मोनेटाइजेशन एनेबल करना है अपने रील्स के अंदर, या फिर आप कह सकते हैं इंस्टाग्राम रील्स मोनेटाइज कैसे करें, राइट। तो गाइस सबसे पहले आपको एक काम करना होगा, सिंपली आपको प्ले स्टोर की जो ऐप है वो आपको ओपन करनी है, उसके बाद फिर आपको ऊपर सर्च बार देखेगा, सिंपली आपको सर्च बार पर टाइप करना, उसके बाद फिर आपको यहाँ टाइप करना है इंस्टाग्राम, राइट। तो गाइस इंस्टाग्राम टाइप करने के बाद फिर आपके सामने इंस्टाग्राम की जो ऐप है वो आ जाएगी। सबसे पहले आपको यही काम करना है, आपको इंस्टाग्राम की जो ऐप है वो आपको अपडेट करनी है, राइट। उसके बाद फिर आपको होम स्क्रीन पर आना है, जैसे आप होम स्क्रीन पर आओगे फिर आपको सिंपली इंस्टाग्राम की जो ऐप है वो आपको ओपन करनी है। तो गाइस इंस्टाग्राम की ऐप ओपन होने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ अपना इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है वो आपको क्रिएटर अकाउंट होना चाहिए, राइट। तो गाइज उसके बाद फिर आपको नोटिफिकेशन के अंदर जाना है, जैसे आप नोटिफिकेशन के अंदर जाओगे यहाँ पर आपको ऊपर दिखाई देगा मोनेटाइजेशन एंड शॉप्स, आपको इसी पर टैप करना है। जैसे आप टैप करोगे फिर आपको यहाँ दिखेगा ऐड योर पेमेंट डिटेल्स, आपको इसी पर टैप करना है। जैसे आप टैप करोगे फिर आपके सामने इस तरह आ जाएगा सेट अप पे आउट अकाउंट। तो गाइज उसको आपको ये जो फॉर्म है ये आपको सब कुछ भरना है। तो गाइज सबसे पहले आपको यहाँ लीगल नेम एंटर करना है, यानी कि जो आपके पैन कार्ड के अंदर या फिर आधार कार्ड के अंदर वोटर आईडी कार्ड के अंदर नाम है वही आपको यहाँ एंटर करना है। उसके बाद फिर आपको वही डेट ऑफ बर्थ भी एंटर करनी है जो आपके आइडेंटिटी कार्ड के अंदर है। उसके बाद फिर आपको सिंपली कंट्री को सिलेक्ट करना है, जैसे आप कंट्री को सिलेक्ट करोगे फिर आपको यहाँ नीचे दिखेगा नेक्स्ट, आपको नेक्स्ट पे टैप करना है, राइट। तो गाइस नेक्स्ट पे टैप करने के बाद ये कुछ लोडिंग लेगा, अब बारी आई है दूसरा स्टेप कंप्लीट करने का। तो गाइस उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ कंट्री सिलेक्ट करना है। तो गाइस यहाँ पर आप लोग सिर्फ दो कंट्रीज देखने को मिलेंगे, यूएसए और इंडिया। तो गाइस पहले यूएसए के अंदर था, अब इंस्टाग्राम वालों ने इसको इंडिया में भी लॉन्च कर दिया है। तो गाइस अब आपको यहाँ इंडिया सेलेक्ट करना है, उसके बाद फिर आपको यहाँ दिखेगा बिजनेस टाइप, आपको इसी पर टैप करना है। यहाँ पर आपको अच्छे से देखना, तो गाइस यहाँ पर आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, राइट। तो गाइस अगर आप लोग यहाँ कोई और कैटेगरी को सिलेक्ट करोगे फिर आपको आगे चलकर प्रॉब्लम भी हो सकती है, यहाँ पर आपको हमेशा इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। तो गाइस इंडिविजुअल को सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको नीचे दिखेगा नेक्स्ट, आपको नेक्स्ट पे टैप करना है। तो गाइस जैसे हम नेक्स्ट पे टैप करोगे अब बारी आई है थर्ड स्टेप कंप्लीट करने का, राइट। तो गाइस यहाँ पर आपको प्राइमरी एड्रेस देना है, यानी कि सिंपली आपको अपना वोटर कार्ड आईडी निकालनी है, उसके बाद वहाँ पर आपको फुल एड्रेस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ फुल एड्रेस एंटर करना है, उसके बाद फिर आपको यहाँ टाउन या सिटी आपको यहाँ एंटर करना है, उसके बाद फिर आपको स्टेट भी एंटर करनी है, उसके बाद फिर आपको पिन कोड एंटर करना है, उसके बाद फिर आपको यहाँ मोबाइल नंबर भी एंटर करना है, उसके बाद फिर आपको यहाँ ईमेल आईडी एंटर करनी है, उसके बाद फिर आपको यहाँ दिखेगा टिन नंबर, सिंपली आपको यहाँ पैन कार्ड निकालना है, उसके बाद फिर आपको पैन कार्ड पर आपको
एक नंबर होगा, सिंपली आपको वो यहाँ टाइप करना है। सिंपली आपको यहाँ पैन नंबर एंटर करना है, उसके बाद फिर आपको नीचे दिखेगा चेकबॉक्स, आपको चेकबॉक्स पे टैप करना है, फिर जाके आपको नेक्स्ट पे टैप करना है, उसके बाद फिर आपको चौथा स्टेप कंप्लीट करना है। देखते हैं चौथा स्टेप क्या है। तो दोस्तों बूम गाइज, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अब आपको बारी आई है बैंक अकाउंट लिंक करने का। तो गाइज यहाँ पर आप लोग नीचे देख सकते हैं मैनुअली लिंक बैंक अकाउंट। तो गाइज सिंपली आपको यहाँ दिखेगा ये जो एडिट आइकन है, आपको इसी पर टैप करना है। जैसे आप टैप करोगे सबसे पहले आपको यहाँ कुछ लोडिंग लेगा, आपको सिर्फ वेट करना है। सबसे पहले आपको यहाँ बैंक कंट्री सिलेक्ट करनी है, यानी कि आपका जो बैंक है वो इंडिया के अंदर है, तो फिर आपको यहाँ इंडिया सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर आपको अकाउंट होल्डर का नाम लिखना है, उसके बाद फिर आपको स्विफ्ट कोड मिलेगा। तो गाइस जिन लोगों का स्विफ्ट कोड नहीं मिल रहा है वो लोग इंस्टाग्राम के अंदर हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो गाइस उसके बाद फिर आपको यहाँ अकाउंट नंबर लिंक करना है। जैसे आप अकाउंट नंबर को एंटर करोगे फिर आपको यहाँ दिखेगा लिंक पे आउट मेथड। तो दोस्तों उसके बाद फिर आपके सामने लिखा आएगा एक्टिवेट नाउ, आपका एक्टिवेट नाउ पे टैप करना है। मेरे को इसलिए नहीं आ रहा है, मैंने पहले ही कर दिया है। तो गाइज अब बारी आई है आपको डैशबोर्ड चेक करने की। तो गाइज सिंपली आपको प्रोफाइल के अंदर जाना है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल के अंदर जाना है, उसके बाद फिर आपको बताएगा थ्री डॉट्स, आपको थ्री डॉट्स पे टैप करना, उसके बाद फिर आपको यहाँ देखिए सेटिंग्स, आपको सेटिंग्स पे टैप करना, उसके बाद फिर आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आपको यहाँ देखिए क्रिएटर, आपको क्रिएटर पर टैप करना। जैसे आप क्रिएटर पर टैप करोगे बूम गाइज आपको ऊपर दिखाई देगा बोनसेस, आपको इसी पर टैप करना। जैसे आप टैप करोगे फिर आप लोग यहाँ सब कुछ मैनेज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो गाइज अगर आपको रिलीज प्ले देखना है, यानी कि आपने 29 डेज़ के अंदर कितना कमाए हैं और कितने रील्स अपलोड किए हैं, आप लोग यहां सब कुछ रीड कर सके। फिलहाल मेरे पास अभी $0 है, मैंने अभी कोई रील रील अपलोड नहीं किया है, राइट। तो दोस्तों यही था वो इंस्टाग्राम मोनेटाइजेशन अप्लाई करने का तरीका। अगर वीडियो पसंद आया लाइक और शेयर करना ना भूलिए, साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।